सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सनराइज एजुकेशन हब को और इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें हमारे नए वीडियोस की अपडेट सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज हम एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं प्रतियोगी परीक्षा के अंदर ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है उससे संबंधित प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, या फिर हम इस प्रकार से कहें कि कितने प्रकार से प्रश्न है वो ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकते हैं, उनसे संबंधित हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहले ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री का अपना हिंदी वर्ड है वो है त्रिकोणमिति। त्रिकोण का त्रि का मतलब तीन है अपना, कोण का मतलब कोण से है, मिति का मतलब है मापना, मतलब तीन कोणों का मापन, वो होता है अपना ट्रिग्नोमेट्री। अब देखते हैं भी तीन कोण है वो किसके अंदर होते हैं। तो मैं एक बना रहा हूं डायग्राम, ये है अपना त्रिभुज ट्राइंगल जिसके अंदर तीन कोण है। तो क्या हम ये जो त्रिभुज है उसको त्रिकोणमिति के अंदर पढ़ सकते हैं, या फिर मैं इस प्रकार से एक और बना रहा हूं, ये है अपना, ये है विषम कोण त्रिभुज और ये है अपना समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब है इसके अंदर एक कोण है वो समकोण होता है। समकोण का अपना मतलब है 90 डिग्री का। अब हमने साधारण मैथमेटिक्स के अंदर ये पढ़ा होगा कि जिस त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज के अंदर हमने ये भी पढ़ा होगा कि ये जो अपना समकोण यानी 90 डिग्री का कोण है इसके सामने की जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। उसके अलावा ये जो भुजा है इसको हम लिखते हैं लंब से, और जो अपना ये है उसको लिखते हैं आधार से। और हमने एक प्रमेय भी पढ़ी होगी जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, उसके अंदर हमने पढ़ा होगा कि कर्ण का स्क्वायर है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर होता है। इतना हमने साधारण मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा है। लेकिन ये जो अपना त्रिकोणमिति है उसके अंदर त्रिभुज तो ठीक बात है ये लिया जाता है समकोण त्रिभुज, लेकिन इसका यूज हम इसके अंदर किस प्रकार से करते हैं ये बात इंपॉर्टेंट है। एक और डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये है अपना एक समकोण त्रिभुज, ये है 90 डिग्री का। अब हम क्या करते हैं, इसके सामने कर्ण है, बिल्कुल फिक्स है ये यहीं पे रहेगा, जहां भी 90 डिग्री का कोण है भी ठीक उसके सामने कर्ण होता है। या फिर हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि समकोण त्रिभुज के अंदर जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होता है अपना कर्ण। अब क्या होता है कि यदि हमने थीटा ले लिया यहां, थीटा का जो हम अबाउट या जो थीटा का डिस्कस है वो हम यहां कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि कर्ण तो अपना फिक्स है यही रहेगा, थीटा के ठीक सामने बिल्कुल थीटा के सामने जो भुजा होती है उसको हम मानेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर लंब, ठीक है। अब हमने कर्ण है वो भी फिक्स कर दिया, थीटा के सामने की भुजा है उसको हमने लंब मान लिया, अब जो भुजा बची है उसको हम मानते हैं आधार। बिल्कुल हम ट्रिग्नोमेट्री का इसको आधार बोल सकते हैं कि जब तक हमें किसी त्रिभुज के अंदर लंब का आधार का और कर्ण का पता नहीं होगा हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ सकते। एक और डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये है अपना एक समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का कोण है। अब की बार मैंने क्या किया है, पहले लिया था थीटा यहां, अब मैं थीटा ले रहा हूं यहां, ये है अपना थीटा। और ये हमने डिस्कस कर लिया कि जो समकोण है यानी 90 डिग्री का जो कोण है ठीक उसके सामने होता है अपना कर्ण। थीटा है, थीटा के सामने मैंने अभी कहा है भी थीटा के सामने हम लेते हैं लंब, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा है ये और थीटा के सामने की ये जो भुजा है वो है अपनी लंब, ठीक है। हमने कर्ण ले लिया लंब भी ले लिया, अब जो भुजा बची है अपनी भी, बचने का मतलब ये हुआ भी त्रिभुज के अंदर तीन भुजा है, इसको हमने कर्ण बोल दिया है, इसको हमने लंब बोल दिया है, ये भुजा बाकी है इसका हमने कोई नाम नहीं रखा है अभी तक,
ये कर्ण है, ये लंब है, तो जो बुद्धि जो बुझा बची है वो है अपनी आधार। इसका मतलब इस त्रिभुज के अंदर आधार ये है, कर्ण ये है और लंब ये है। और हमने ये प्रमेय भी डिस्कस कर लिया कि कर्ण का स्क्वायर होता है वो होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ फॉर्मूले। अब हम कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इसके अंदर जो भी अपने कोण का मापन करने वाले हैं उनका नाम हमें पता होना चाहिए। तो हम लिखते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। हो सकता है इनका नाम आपको टेंजेंट, इसका कोंजेंट, इसका सेकेंड और इसका कोसेकेंड भी मिले। हमें इनसे संबंधित है वो फॉर्मूले निकालने हैं भी इनको किस प्रकार से हम निकालते हैं। उसके लिए अपनी एक छोटी सी टेबल है, यहाँ है साइन थीटा, ये कोस थीटा, यहाँ है अपना टेन थीटा, ठीक। इसके नीचे होता है अपना कोट थीटा, यहाँ होता है सिकेंट और यहाँ होता है कोसिकेंट थीटा। ये जो अपने छह नाम है इनको याद करने पड़ेंगे। यहां मैं लिख रहा हूं एल ए एल, यहां लिख रहा हूं के के ए, ये है अपना लाल और ये है कक्का, यहां है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक। इसके नीचे है कोट थीटा, यहां है अपना सेकेंड थीटा और यहां है अपना कोसेकेंड थीटा। अब हम इनसे संबंधित प्रश्न है वो किस प्रकार से निकालेंगे या इनके फॉर्मूले है वो किस प्रकार से याद करेंगे। यहां है अपना साइन थीटा और यहां भी साइन थीटा है, इसका मतलब साइन के ऊपर है एल और उसके नीचे है के, इसका मतलब मैं यहां लिख रहा हूं एल अपॉन के। यहां एल का मतलब है लंब और के का मतलब है कर्ण। यहां मैं लिख देता हूं एल है अपना लंब, के है अपना कारण और ए है अपना आधार। एल का मतलब अपना लंब है, के का मतलब कारण है, ए का मतलब आधार है। मैंने यहां लिखा है साइन थीटा, साइन के ठीक ऊपर था एल यानी कि लंब, नीचे था के यानी कि लंब बटा कर्ण। उसके बाद कोस का अपने को फॉर्मूला निकालना है, कोस के ठीक ऊपर है आधार और नीचे है के, इसका मतलब कोस थीटा बराबर होता है अपना आधार बटा कर्ण। उसके बाद है अपना टेन थीटा, यहां है टेन थीटा, टेन थीटा के ऊपर है लंब यानी कि एल और नीचे है ए यानी कि आधार, तो यहां मैं लिख रहा हूं लंब बटा आधार। उसके बाद है अपना कोट थीटा। अब हमने ये जो ऊपर वाली टेबल थी साइन कोस टेन इसके अनुसार लिखा है, इसका मतलब ऊपर वाला था उसको हमने अंश बनाया था यानी कि एल ए जो एल था उसको हमने ऊपर लिखा है और जो नीचे वाले थे के ए यानी कि कक्का उसको हमने लिखा था नीचे। अब हम क्या करें, कोट थीटा, कोट थीटा यानी कि नीचे है, इसका मतलब ये जो ए है इसकी तरफ, कोट की तरफ ए है, इसका मतलब ए को हम ऊपर लिखेंगे और ये जो एल है उसको लिखेंगे नीचे। तो यहां जो अपना कोट थीटा है उसका मान होगा ए बटा एल यानी कि आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। उसके बाद है अपना सेकेंट यानी कि सेक थीटा, ये है अपना सेकेंट, यहां है कर्ण और यहां है आधार, तो यहां मैं लिख रहा हूं कर्ण बटा आधार। उसके बाद है अपना कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट यानी कि ये है, यहां है के और यहां है एल यानी कि कर्ण बटा लंब। दोबारा देख लेते हैं, साइन थीटा बराबर हमने लिखा है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर लिखा है आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लिखा है लंब बटे आधार। उसके बाद हमने लिखा है कोट थीटा, कोट थीटा बराबर हमने लिखा है आधार बटे लंब और जो सेकेंट यानी सेक थीटा है उसके बराबर हमने लिखा है कर्ण बटा आधार और जो अपना कोसेकेंट यानी कि कोसेक थीटा है उसके बराबर लिखा है कर्ण बटा लंब। इसके अलावा एक तरीका और भी है हम इनको याद कर सकते हैं, ये जो लंब होता है, कर्ण होता है और आधार होता है, आधार को हम बी से लिखते हैं यानी कि बेस, कर्ण है इसको हाइपोटेन्यूस यानी कि एच से लिखते हैं, लंब है उसको परपेंडिकुलर यानी कि पी से लिखते हैं। हमारा है ये साइन कोस और टेन, तो हम इनको याद करने का तरीका किस प्रकार से बनाएंगे, यहां है अपना पंडित, उसके बाद है बद्री और उसके बाद है प्रसाद यानी कि पंडित बद्री प्रसाद। क्या करता है ये पंडित बद्री प्रसाद, ये
जो पंडित बद्री प्रसाद है ये अपना हर हर बोलता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अपना पी है, पी का मतलब है लंब यानी कि एल, एच का मतलब है अपना हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, उसके बाद ये जो बी है इसका मतलब बेस यानी कि आधार, एच का मतलब हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, पी का मतलब परपेंडिकुलर यानी कि अपना लंब, और जो अपना बी है इसका मतलब बेस यानी कि आधार। हिंदी में भी हम इनको लिख सकते हैं, ये है अपना लंब और ये है कर्ण, उसके बाद ये अपना आधार है, ये अपना कर्ण है, उसके बाद ये अपना लंब है और ये उसका बेस यानी कि आधार है। अब हमने यहां से हम देख सकते हैं कि ये जो अपना साइन है, साइन का मान है लंब बटे कर्ण, और यहां है अपना कोसेक थीटा, कोसेक है अपना कर्ण बटा लंब, यानी कि ये जो साइन और कोसेक है ये एक दूसरे का उल्टा है यानी ठीक इसका विपरीत है। तो ये जो अपना हमने लिखा है P बटा H, इसका उल्टा यानी कि हम यहां लिख सकते हैं H अपॉन P। उसके बाद यहां है अपना cos थीटा, cos थीटा बराबर हमने लिखा है B बटा H यानी कि आधार बटा कर्ण, तो यहां हम लिखेंगे ये जो सीकेट है वो cos का उल्टा है, इसका मतलब यहां हम लिखेंगे H अपॉन B। उसके बाद कोट है वो टेन का उल्टा है, इसका मतलब हमने यहां लिख रखा है पी बटा बी, तो यहां हम लिखेंगे बी अपॉन पी। दोबारा देख सकते हो ये मैंने ट्रिक बनाई है कि बद्री सॉरी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी का हमने लिखा है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, एस का हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, बी अपना बेस है यानी कि आधार, और एस अपना हाइपोटेनियस है। इससे आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि जो साइन है उसका ठीक विपरीत है अपना कोसेक, और जो कोस है उसका ठीक उल्टा है सेक, और जो अपना बच्चा है टेन उसका ठीक उल्टा है कोट। ये टेबल है वो अपने को याद होने चाहिए, पता होना चाहिए कि ये जो अपना कोस है ठीक उसके राइट साइड में साइन है और लेफ्ट में अपना टेन, ठीक इसके नीचे है कोसेकेंट, सेकेंट के लेफ्ट साइड में अपना कोट और राइट साइड में है कोसेकेंट, ये अपने को याद होनी चाहिए। अब हमने देख लिया है कि साइन है जब हम उसका गुणा करते हैं कोसिकेंट के साथ तो अपना मान क्या आता है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो हमने अभी डिस्कस किया है कि ये जो साइन थीटा था उसका मान हमने लिखा था लंब बटा कर्ण, तो यहां मैं लिख रहा हूं लंब बटा कर्ण, यहां गुणा का साइन लगा दो। उसके बाद है कोसिकेंट, कोसिकेंट के बराबर हमने लिखा था कर्ण बटा लंब, तो मैं यहां लिख रहा हूं कर्ण बटा लंब। इसको हल करेंगे, कर्ण से कर्ण कैंसिल है और लंब से लंब कैंसिल है, इसका मतलब ये जो अपना साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा है, साइन थीटा गुना कोसिकेंट थीटा, इसका मान होता है एक, या फिर यदि हमें साइन थीटा का मान दे रखा है और कोसिकेंट का निकालना है तो हम क्या करेंगे, कोसिकेंट थीटा है इसको इधर रख लो अपना और इधर भेज दो साइन थीटा, या फिर हमें कोसिकेंट का मान दे रखा है साइन का निकालना है तो साइन को यहां रख लो कोसिकेंट को इधर भेज दो। इसके बाद हम देखते हैं कोस थीटा और सेक थीटा का जब हम गुणा करते हैं तो इसका मान है वो हमें क्या प्राप्त होता है, तो यहां मैं लिख रहा हूं कोस थीटा गुणा सेक थीटा, कोस थीटा बराबर हमने लिखा था आधार बटा कर्ण, तो यहां मैं लिख रहा हूं आधार बटा कर्ण, गुणा में है अपना सेकेंड थीटा, सेकेंड का मान होता है कर्ण बटा आधार, तो यहां मैं लिख रहा हूं कर्ण बटा आधार, अब कर्ण से कर्ण कैंसिल है आधार से आधार कैंसिल है, मतलब इसका मान भी हमें एक प्राप्त हुआ है, यानी कि ये जो कोस थीटा गुणा सेक थीटा है इसका मान होता है एक। अब हमें कोस का मान निकालना पड़े तो हम लिख देंगे वन अपॉन सेक, और सेक का मान निकालना पड़े तो लिख देंगे वन अपॉन कोस, यदि हमें यहां से कोस थीटा का मान निकालना पड़े तो हम इसको लिखेंगे वन अपॉन सेक थीटा, और यदि सेकेंड थीटा का मान निकालना पड़े तो हम लिख देंगे वन अपॉन कोस थीटा, यानी कि इसको यहां से पक्षांतरण ही करना है। अब अपना बचा है टेन थीटा और कोट थीटा, देखते हैं जब हम इनका गुणा करते हैं तो इनका मान हमें क्या प्राप्त होता है, तो यहां मैं लिख रहा हूं टेन थीटा गुणा कोट थीटा, टेन थीटा बराबर हमने लिखा था लंब बटे आधार, तो मैं यहां लिख रहा हूं लंब बटे आधार, गुणा में कोट थीटा,
कोट थीटा का मान हमें पता है कि होता है आधार बटा लंब, तो मैं यहां लिख रहा हूं आधार बटा लंब। अब यहां से एल से एल कैंसिल, ए से ए कैंसिल, इसका मतलब इसका मान भी हमें एक प्राप्त हुआ है, यानी कि टेन गुणा कोट का मान होता है एक। यहां से हमें टेन का मान निकालना है तो हम लिख देंगे वन अपॉन कोट थीटा, और जब हमें कोट का मान निकालना है तो लिख देंगे वन अपॉन टेन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइन और कोसेक है ये एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी कि साइन और कोसेक का हम गुणा करते हैं तो उसका मान हमें एक प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कोस और सेक है, टेन और कोट है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे भी इससे संबंधित प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है अपना एक, साइन थीटा बराबर हमें दे रखा है 12/13, और जो बाकी अपने त्रिकोणमिति अनुपात है कोस टेन कोट सेक और कोसेक, उनके मान हमें निकालने हैं। तो हमें पता है कि साइन थीटा बराबर होता है अपना लंब बटा कर्ण। अब हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज से संबंधित, इसके अंदर अपने तीन ही भुजा होती है, लंब कर्ण और बचा है अपना आधार। इसका मतलब ये हुआ कि यहां हमें आधार निकालने की जरूरत है, भी आधार का पहले हम मान निकाल लेते हैं। अब हमें पता है कि जो अपना कर्ण होता है उसका मान, यानी कर्ण का स्क्वायर है वो शेष दो भुजाएं हैं उनके वर्गों का योग होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर मैं लिख रहा हूं आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। हमें मान निकालना है आधार का, यानी कि यहां, तो क्या करेंगे, आधार का मान निकाल लो, यानी कि कर्ण स्क्वायर, यहां से इसको पक्षांतरण कर दो माइनस में आएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो अनुरूप सीधा में लिख रहा हूं आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर लगाएंगे तब तो ऐसा ठीक है। यदि हम यहां से स्क्वायर हटा रहे हैं इसका मतलब सामने लगेगा अनुरूप। कर्ण का हमें पता है मान है अपना 13 और लंब है ये है 12, क्या करेंगे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर और इसका अंडररूट। 13 का स्क्वायर 169 और ये जो अपना 12 का स्क्वायर है 144, यानी कि 169 माइनस 144, इसका अंडररूट निकालेंगे, यहां से आएगा 25, उसका अंडररूट निकालेंगे तो आएगा मान 5। इसका मतलब ये जो अपना आधार था उसका मान हमने निकाला है 5। अब हमें कोस का मान निकालना है, उसके बाद टेन का, फिर कोट का, उसके बाद सेकेंट का, और फिर अपना कोसेकेंट का। कोस का मान निकालना है, कोस का मान निकालना है इससे पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए भी कोस बराबर क्या होता है। सारणी से हम देख सकते हैं कि कोस बराबर अपना होता है आधार बटे कर्ण, आधार है अपना 5 और कर्ण है अपना 13, यानी कि इसका मान हम लिखेंगे 5/13। उसके बाद अपना है टेन, टेन बराबर हमें पता है कि फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब का मान 12 है और ये जो अपना आधार है इसका मान है 5, तो यहां मैं लिख रहा हूं 12/5। उसके बाद कोट, कोट हमें पता है भाई टेन का उल्टा होता है, और यहां से हम फॉर्मूला भी देख सकते हैं, फॉर्मूला होता है इसका आधार बटे लंब, आधार का मान अपना 5 है और लंब का है 12। उसके बाद सेकेंड, सेकेंड है वो कोस का उल्टा होता है, फॉर्मूले से हम देखें तो सेकेंड का मान अपना होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान है अपना 13 और आधार का मान है 5। उसके बाद है अपना कोसेकेंट, कोसेकेंट है वो साइन का उल्टा होता है जिसका फॉर्मूला है अपना कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान अपना 13 है और लंब है उसका मान है 12। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस प्रकार का कोई प्रश्न अपनी प्रतियोगी परीक्षा में आता है तो उससे पहले हमें ये फॉर्मूले याद होने चाहिए इनको हल करने के लिए। उसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो हमें मान दिया गया है उसके अंदर कौन से दो मान हमें दे रखे हैं, यानी कि लंब कर्ण और आधार तीनों में से कोई भी दो मान हमें दिए हुए होंगे, तो जो तीसरा बचेगा उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। भाई यहां हमें लंब बटा कर्ण यानी लंब और कर्ण दे रखा है तो हम आधार निकाल लेंगे, आधार निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब हम जो तीसरा मान है वो निकाल लेंगे उसके अलावा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमें निकालना हो हम निकाल सकते हैं, तो हम हल करेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, हमें मान दे रखा है कोसिकेंट बराबर 2 और हमें मान फाइंड आउट करना है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, यानी कि इसका मान क्या होता है ये हमें निकालना है। हमें मान दे रखा है कोसेक थीटा बराबर 2, हमें पता है कि कोसेक थीटा होता है, इसका फॉर्मूला है वो होता है कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा, और इसका मान हमें बता रखा है 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कर्ण है इसका मान 2 है, लंब है इसको मैं यहां लिख रहा हूं 1, यानी कि कर्ण का मान तो 2 है, लंब है इसका मान क्या है 1 है। हमें कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, बच्चा है अपना आधार, तो पहले हमें आधार का मान है वो ज्ञात करना पड़ेगा। आधार का मान ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता होगी। सीधा लिख रहा हूं मैं, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। कर्ण का मान है अपना 2, 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे और इसका अंडर रूट निकालेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 4 में से 1 घटाएंगे अपना होगा 3, यानी कि इसका मान आया है अंडर रूट 3, यानी जो अपना आधार है उसका मान है अंडर रूट 3। दोबारा देख लेते हैं, कोसेकेंट थीटा का मान हमें 2 दे रखा है और हमें फॉर्मूला है वो अपना होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब जिसका मान हमें 2 बता रखा है। इसका मतलब लंब हम ऐसी संख्या लेंगे जिससे कि कोसेकेंट थीटा का मान है वो 2 ही रहे, तो मैंने लिखा है 2/1, क्योंकि जब हम 2 में 1 का भाग देंगे तो इसके मान में कोई फर्क नहीं होगा। उसके अलावा कर्ण और लंब तो हमें दे ही रखा है, बच्चा है अपना आधार जिसका मान हमें निकालना होगा। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम आधार का मान ज्ञात कर लेंगे, आधार बराबर होता है अपना कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर और उसका अंडर रूट। कर्ण का मान अपना 2 है, 2 का स्क्वायर कर दिया, लंब है अपना 1, 1 का स्क्वायर कर दिया, जब हम इसको हल करेंगे तो अपना आंसर आएगा √3। अब हमें साइन थीटा का मान लिखना है, साइन थीटा बराबर अपना होता है, यहां मैं लिख देता हूं एक बार, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब का मान है अपना 1 और कर्ण का मान है 2, तो इसका मान हो गया 1/2। इसके अलावा हमें जरूरत होगी कोस थीटा की, तो यहां मैं लिख रहा हूं कोस थीटा, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार का मान हमने अभी निकाला है √3 है, कर्ण का मान है 2, तो ये जो मान है वो हम इसमें के अंदर पुट कर देंगे तो अपना इसका मान है वो प्राप्त हो जाएगा। साइन थीटा है, साइन थीटा का मान 1/2 है, तो यहां मैंने लिख दिया 1/2, 1 प्लस 1 लगा दिया, प्लस कोस थीटा, कोस थीटा का मान है √3/2, तो यहां मैं लिख रहा हूं √3/2, प्लस में है तो इसका एलसीएम लेकर के हल करेंगे, सीधा लिख रहा हूं मैं यहां से 1/2 और ये होगा अपना 2 प्लस √3/2। जब इस प्रकार से कोई चार संख्याएं होती है तो हम क्या करते हैं कि पहला और चौथा है उसका गुणा करते हैं और जो अपना दूसरा और तीसरा है उसका गुणा करते हैं, तो यहां से मैं लिख रहा हूं 1/2 पहला और चौथा, भाग में लिखते हैं दूसरा और तीसरा, तो 2 इसके गुणा में है अपना 2 प्लस √3। अब यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो अपना मान निकला है 1/2 प्लस √3, यानी कि हमें कोसेक थीटा बराबर 2 दे रखा था और हमें मान निकालना था साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, जिसका हमने मान निकाला है 1 अपॉन 2 प्लस √3। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, हमें दे रखा है कि साइन थीटा बराबर है 1/√2, हमसे मान पूछा गया है कोसेकेंट थीटा का, हमें पता है कि कोसेकेंट थीटा बराबर हम लिखते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, तो हम क्या करेंगे सीधा लिख देंगे 1 अपॉन √2, 1/√2, जो तीसरी संख्या होती है वो चली जाती है फर्स्ट के साथ, मतलब ये हुआ कि इसका अपना आंसर आया है √2। यहां से आप सीधा भी निकाल सकते हो कि ये अपना साइन थीटा का मान है 1/√2, तो आप क्या करोगे ये जो संख्या है इसको इस प्रकार से चेंज कर दो, यानी 1 है उसको नीचे ले जाओ, √2 है उसको ऊपर ले जाओ, यानी यहां से आप इसको सीधा ऐसा लिख दो √2/1, 1 को हम लिखते नहीं है, इसका मतलब अपना आंसर आया है √2। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है,
कोस थीटा बराबर आपको दे रखा है 5/13। करना क्या है आपको, सीकेंट थीटा का मान ज्ञात करना है। आपको पता है कि कोस थीटा और सेक थीटा है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी एक दूसरे के उल्टा होता है। तो क्या करोगे, ये जो 5 है इसको नीचे ले जाओ और जो 13 है इसको ऊपर ले जाओ, यानी कि इसका मान होगा अपना 13/5। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, मान दे रखा है आपको टेन थीटा का, जिसका है 3/4। तो क्या करोगे, आपसे पूछा गया है कि ये जो टेन थीटा है इसका मान तो आपको दे दिया, और आपसे पूछा गया है कि कोट थीटा का मान है वो क्या होता है। आप जानते हो कि टेन थीटा और जो कोट थीटा है वो एक दूसरे के विपरीत यानी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो क्या करोगे, 3 है इसको नीचे ले और 4 है इसको ऊपर ले जाओ, यानी इसका आंसर आएगा 4/3। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने जो समझाया है वो आपके समझ में आया है। फिर भी कोई डाउट है तो कॉमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।